हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन पहाड़ी नौकरी। तो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड हाजिर हूँ मैं एक नई वैकेंसी के साथ और एक नई खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही जैसे कि आपको मालूम है कि स्टाफ नर्स की 1238 वैकेंसीज उत्तराखंड में आई थी, उसके जस्ट बाद राजकीय मेडिकल कॉलेजों में भी 1383 नर्सों की जो भर्ती होने वाली थी उसको लेकर घोषणा की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहली बार सीधी भर्ती से होगी नियुक्ति, शिक्षा परिषद को भेजा गया प्रस्ताव, यानी कि प्रदेश में राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जल्दी स्टाफ नर्सों की भर्ती शुरू होगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से 1383 पदों का प्रस्ताव उत्तराखंड जो शिक्षा परिषद है उसको भेज दिया गया है। स्टाफ नर्सों की तैनाती का काम जल्दी से जल्द इसको कराने की कोशिश की जा रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग आउटसोर्सिंग के माध्यम से सारी ये चीजें आउटसोर्स करता था, लेकिन यहां पर जो है उत्तराखंड जो राजकीय मेडिकल कॉलेजों में जो भर्ती होगी 1383 पदों पर उसकी भर्ती जल्दी होगी। अब यहाँ पर जो मेन मुद्दा यहाँ पर है ब्रेकिंग न्यूज को लेकर और खुशखबरी को लेकर कि ये भर्ती शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर ये भर्ती। आप कहेंगे कि ये भर्ती तो पहले से ही चल रही, तो उत्तराखंड जो मैं नर्स की भर्ती पहले से चल रही थी चिकित्सा विभाग की, अब उसी में 1238 पद जो ऑलरेडी थे उसी में 1338 पदों को भी समायोजित कर दिया गया है और उसको भी भरने की तारीख यहां पर आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पर चल रही होगी 3 फरवरी से। यहां पर वो वाले फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे और जो है 6 फरवरी से उनका ऑनलाइन स्टार्ट हो गया था। कैसे उसको फॉर्म को फिल करना है उसके बारे में भी हमने एक डिटेल वीडियो ऑनलाइन बनाया था, तो जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। उसके अलावा 4 मार्च जो है आवेदन करने की लास्ट डेट है और 6 मार्च तक उसको प्रिंट आउट लेके आपको करना है। 20 मार्च में स्क्रूटनी होगी और जो रिजेक्टेड फॉर्म होंगे वो 25 मार्च को आपको बता दिए जाएंगे और जो एडमिट कार्ड होगा वो 5 अप्रैल को आप डाउनलोड कर सकते हैं और 18 अप्रैल 2021 में संडे को दिन ही आपका पेपर होगा। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर क्या लगा होगा कि चिकित्सा विभाग उपचारिका स्टाफ नर्स वेतन बैंड वही 1238 पद। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ नर्स की मैं ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से आपको बता चुका हूं कि जो 80% सीट होंगी वो फीमेल के लिए होंगी और उसके अलावा जो 20% सीट होगी वो आपकी जो है मेल के लिए रिजर्व होगी। तो ये रही यहां पे सारी डिटेल। तो आप देख सकते हैं यहां पर आगे राजकीय मेडिकल कॉलेज स्टाफ नर्स पे बैंड सेम थिंग पे जो है रिक्तियों की संख्या 1383 को जो उसमें ऐड कर दिया गया है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 1116 पोस्ट फॉर महिलाओं और 267 पोस्ट जो है वो नर्स की जो है मेल के लिए है। तो यहां पर आप देख सकते हैं वो जो पद पहले 1238 थे उसी में 1383 पद जो है मर्ज कर दिए गए हैं। तो और जो क्वालिफिकेशन है वहां पर बिल्कुल सेम रखी गई है जैसे उसमें थे कि भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय और संस्थान से आपको बीएससी ऑनर्स अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा से वहाँ से बीएससी नर्सिंग का नियमित पाठ्यक्रम अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट बेसिक नर्सिंग अथवा नर्सिंग में जीएनएम यानी कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होना चाहिए। ओके फ्रेंड, यहाँ पर कई कमेंट्स मुझे उसमें भी आ रहे थे कि एनएम वाले अप्लाई कर सकते, तो यू कांट अप्लाई, यहाँ पर उन्होंने साफ साफ लिख दिया है। उसके अलावा उत्तराखंड, अगर आप उत्तराखंड से हैं तो उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स होना चाहिए अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान के रूप में आपको पंजीकरण का प्रमाण पत्र या फिर मतलब आपसे होना चाहिए और हिंदी का आपको ज्ञान होना चाहिए। बाकी सेम चीज़ है, वही चीज़ जो मैंने ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि एज इतनी है, 21 मिनिमम है, 42 मैक्सिमम है और आपको जो फीस है 800 फॉर जनरल एंड अनरिजर्व एंड 400 फॉर अदर कैटेगरीज और आपको ऑनलाइन उसी तरह से भरना है जिस तरह से आपको भरना है UBTR.in से जाकर या फिर UBTRSN.in पे जाकर। बाकी इससे रिलेटेड हमने ऑनलाइन वीडियो बनाया है कि किस तरह से फॉर्म इसको आपको फिल करना है। उस अब आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पिनअप कर सकते हैं, उसके अलावा मुझे इंस्टा और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यार वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक भी कर देना, शेयर तो कर ही देना, बाकी नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं यार, अनलाइक
करके जा सकते हो। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए पहाड़ी नौकरी पे आते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।